Good morning, students. This is your moral value class. In this class, we will read the chapter number 8. Name of this chapter is patience. Patience means होता है धैर्य. धैर्य मतलब कि कोई भी work हम करते हैं तो उसमें हमें patience रखना चाहिए और result आने का wait करना चाहिए. ये नहीं कि हमने बहुत ही ज़्यादा अंदर से excitement दिखाई कि हमें मिल इसका result क्यों नहीं आया. और कई बार ऐसा भी होता है कि हम नाराज भी हो जाते हैं कि हमें तो बस बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए. तो इसकी वजह से कई बार हम परेशानी में भी फंस जाते हैं. तो ये स्टोरी टू फ्रेंड्स की है जो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और हार्डवर्क करने के बाद भी वो बहुत ही पुअर होते हैं, यानी गरीब होते हैं. और वो काम की तलाश में डेली निकलते हैं लेकिन उनका भाग्य जो है, उनका लक जो है, साथ नहीं देता है. तो एक दिन वो जा रहे होते हैं तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता है, भूख भी लगी होती है. तो मंदिर से होके निकलते हैं तो वहाँ पे उन्हें मंदिर के प्रसाद की खुशबू आती है और वो वहीं पे रुकते हैं, प्रसाद लेते हैं और प्रसाद खाते हैं और फिर सोचते हैं कि आज रात हम यहीं पे स्टे कर लेते हैं. तो लोगों के जाने का इंतज़ार करते हैं और फिर रात जब वहाँ पर सो रहे होते हैं तो उसमें से एक फ्रेंड होता है जिसका नाम गोपाल होता है. गोपाल को एक वॉयस सुनाई देती है और वो उस वॉयस क्या बोलती है उसके हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे और उसके आगे क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करके ही पता लगाएंगे. सो ओपन योर बुक, लुक एट द पेज नंबर 49. वी विल रीड दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.